गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने टॉपिक आज का हमारा एनर्जी ऑफ एन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या फाइंड आउट करना पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया ठीक है तो कंसिडर क्या करेंगे हम कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ टू ए प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये कल ने कल तक पढ़ लिया था अमाउंट ऑफ वर्क डन रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल अब जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ठीक है तो वर्क डन इन रोटेशन कंसिडर कर लिया हमने वर्क डन डी डब्ल्यू एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा भी एज वी नो की वर्क का जो फॉर्मूला होता है वर्क का वो क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू क्या होता है भी डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है रोटेट करता है देन फोर्स इज टेकन एज टोर्क एंड डिसमेंट इज टेकन एज एंगर डिसमेंट देन अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू ठीक है वैल्यू प्लेस किया हमने पी साइन थीटा एंड डी थीटा इक्वेशन क्या हो गयी भैया सेकेंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लिमिट थीटा वन टू थीटा टू थीटा वन और थीटा टू क्या एंगुलर डिसमेंट है क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वन टू थीटा टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया W P इसके अंदर कॉन्स्टेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई माइनस कोस थीटा थीटा वन टू थीटा टू माइनस को हमने बाहर निकाला यहाँ से ब्रैकेट से और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोस थीटा टू माइनस को थीटा वन ठीक है रिप्लेस बाय माइनस हम ऐसे कर सकते हैं ठीक है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को तो माइनस से किसका हो जाएगा प्लस पी ठीक है ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का ठीक है दिस वर्क डन ऑफ रोटेशन विल इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन रोटेशन का होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का वो उसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं तो U w, इक्वल टू ये दोनों इक्वल हैं, है P theta, कोस कोटा वन माइनस कोस स्थिति टू स्पेशल केस इफ थीटा वन इज टू नाइनटी डिग्री थीटा टू इज इक्वल टू जीरो डिग्री देन U इज टू पी कोस्थीटा ठीक है माइनस पी इकोस थीटा कोस कोस्थीटा आया है तो उसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे हम इन दोनों को तो स्केलर प्रोटेक्ट होगी किसके अंदर होगी स्केलर प्रोडक्ट होती है तो डॉट यूज कहते जगह तो माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स द फ्लक्स दर्ड मीन सम्लोइंग एन एरिया कि कोई चीज किसी एरिया में से फ्लो कर रही है ठीक है ये फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज डिनोटेड बाई फाइव ए फाइ से डिनोट किया जाएगा जैसे कोई भी हमने होल सरफेस मान लिया एस इसके अंदर कंसिडर किया हमने समोल सरफेस ऑफ एरिया डी एस एंड डी एस वैक्टर इज द एरिया वैक्टर ठीक है ठीक है नौ अब देखो यहाँ पर समोल सरफेस एरिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा समोल डी फाइव टू डॉट डीएस देखो जो जहां भी डॉट आता है उसको उसकी जगह क्या यूज करेंगे हम कोस्टिटा मैग्निट्यूड के अंदर नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक बी गिवन बाई इसका सरफेस सरफेस कितना टोटल एस तो इस इक्वेशन का होल सरफेस इंटीग्रेशन क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन फाइव का इंटीग्रेशन फाइव डी फाइव का इंटीग्रेशन फाइव ठीक है ई डॉट डी एस ऐसे लिख सकते हैं हम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द होल सरफेस ठीक है सरफेस इंटरगल ऑफ इलेक्ट्रिक ओवर ऑल सरफेस यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला भाई ये हमने इक्वेशन यूज किया यहाँ से ठीक है इस इक्वेशन का यूज किया वह स्पेशल केस हम मानेंगे यहाँ से थीटा जीरो डिग्री ठीक है और कोस जीरो की वैल्यू कितनी तो होती है सभी को पता है वन होती है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई e, डी का तो डीएस का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई एस ठीक है ये मैक्सिमम है छिट्टा नाइनटी डिग्री कोस की वैल्यू जीरो होती है तो मिनिमम है तो फॉर्मूला का आंसर दिया जाएगा भाई मैक्सिमम ठीक है मैक्सिमम इक्वेशन यूज किया हमने यस ई ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टू एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाय चार्ज फोर्स बाय चार्ज यूज किया हमने एरिया सरफेस एरिया है फोर्स की यूनिट न्यूटन चार्ज की यूनिट क्या होती है गुलाम और एरिया यूनिट होते है मीटर स्क्वायर तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन इनवर्स मीटर स्कोर अनोदर ऐसा SI यूनिट ये क्या होगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमने पहले डिस्कस की थी वोल्ट पर मीटर होती वोल्ट पर मीटर तो वोटर इन टू मीटर स्क्र मीटर स्कोर से मीटर की पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहां से कितना बच गया भाई फाइव वोल्ट मीटर ये यूनिट है डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भाई फाइव इज गस मैक्सिमम

माइनस थ्री हो जाएगा टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन ये डायमिशन फॉर्मूला है